हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डी आर एक्स मेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिड टोटल प्लस क्रीम के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है ये भी बताऊंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा इस क्रीम के कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कैंडिड टोटल प्लस क्रीम के प्राइस कितना है। ये हमारी लगभग 99 रुपीज़ की है, जो कि आपको इजीली आपके नियरेस्ट केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप पे मिल सकती है। और जो ये हमारी कैंडिड टोटल प्लस क्रीम है, ये हमारी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और जो कि इसके कॉम्पोजिशन है, जिसमें हमारा क्लोबेटाजोल, मिकोनाजोल और नियोमाइसिन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस, जब इस क्रीम को आप अप्लाई करते हैं। तो कैंडिड टोटल प्लस क्रीम कब इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब की जाती है? अगर व्यक्ति के स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसे कि उसको स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि फंजाई की वजह से हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो डॉक्टर उस समय कैंडिड टोटल प्लस क्रीम प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे उसका जो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म कर सके जड़ से। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारा कैंडिड टोटल प्लस क्रीम को। अगर व्यक्ति के फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग हो रही हो तो उस समय दिया जाता है, और रैसेस भी हो तो उस समय भी दिया जाता है। ये भी देखा गया है कि एक्जिमा भी होता है, सोराइसिस भी होने लगता है स्किन पर, तो उस समय भी दिया जाता है डॉक्टर द्वारा हमारा कैंडिड टोटल प्लस क्रीम को। और अगर व्यक्ति के स्किन पर रेडनेस आ रखी हो और रेडनेस की वजह से उसको कई बार इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, जैसे स्वेलिंग टाइप की होती है स्किन पर, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कैंडिड टोटल प्लस क्रीम को। तो जो ओवरऑल देखा गया है स्किन के इन्फेक्शन पे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस क्रीम को, अब वो चाहे बैक्टीरियल हो या फंगल इन्फेक्शन हो। और डॉक्टर अपने अनुसार भी स्किन की और भी जो इन्फेक्शन हो उसको भी ठीक करने के लिए दी जाती है ये क्रीम। अब मैं आपको बताता हूँ जब ये आप अप्लाई करते हो तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, कभी कभार आपके स्किन पे जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको इरिटेशन सी होने लगती है, कभी कभार आपको जलन भी मचने लगती है, और जब आप इसको अप्लाई करते हैं थोड़ा लंबे समय तक तो आपकी जो स्किन है वहाँ से पीलिंग होने लगती है, मतलब थोड़ी पतली हो जाती है तो उखड़ने लगती है स्किन। यही है इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अगर इससे ज़्यादा दिखे तो डॉक्टर को बताएं, जिससे वो आपको फर्दर मेडिसिन चेंज करके बेस्ट रिजल्ट दे सके। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी कैंडिड टोटल प्लस क्रीम है, आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो आपके स्किन पर, उस एरिया को पहले अच्छे से वॉश कर लें और फिर उसको अपने फिंगर से अप्लाई करें। डॉक्टर बताएगा आपको कि आपका जो स्किन इन्फेक्शन है वो कितना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी और दिन में 1 बार भी बोल सकता है। आपको अप्लाई करने के बाद आपने हैंड, जो अपने हाथ है, अपने फिंगर है, उसको अच्छे से धो लेना है। इससे क्या होता है, अगर इनकेस अगर कहीं और भी टच करोगे तो आपका जो स्किन इन्फेक्शन है वो फैलेगा नहीं। तो ऐसे ही इस्तेमाल करना है। और हो सके तो अगर बच्चे को कोई स्किन इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो यही इस्तेमाल। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो क्रीम है कैसे वर्क करती है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में। जो हमारी कैंडिड टोटल प्लस क्रीम है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ 3 मेडिसिन है, जिसके अंदर हमारा क्लोबेटाजोल है, नियोमाइसिन है और मिकोनाजोल है। नियोमाइसिन हमारा एक टाइप का एंटीबायोटिक है मिकोनाजोल हमारा एक टाइप का एंटीफंगल है। तो नियोमाइसिन हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करेगा
और मिकोनाजोल हमारा फंगल इन्फेक्शन को, और जो हमारा क्लोबेटाजोल है वो एक टाइप का स्टेरॉयड है जो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो हमें ईचिंग होती है, रैसेस होती है, उसको कंट्रोल करने में हमारा क्लोबेटाजोल बहुत ही हेल्प करता है। तो दोस्तों यही तीनों मिलकर कैसे वर्क करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो कुछ सेफ्टी एडवाइस ज़रूर रखनी चाहिए। जो इसकी सेफ्टी एडवाइस है, पहली बात तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा, इसको लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर क्लोबेटाजोल है जो कि एक टाइप का स्टेरॉयड है, जो कि अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन को पीलिंग करने में हेल्प करता है, मतलब स्किन को निकालने में हेल्प करता है ये अगर लंबे समय तक करते हैं, क्योंकि वो स्किन को थिन कर देता है। और बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट लेडी को भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, बिगैर डॉक्टर के कंसल्ट से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों यही है, और जो है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो हो सके तो अगर आपके स्किन इन्फेक्शन हो रखा है तो अपना खुद का ही टॉवल ले रखें, दूसरे का टॉवल बिल्कुल ना यूज़ करें। तो दोस्तों यही है वीडियो।